जय संडे महाराज, मनु भैया की जय। मैं शिवम दवे, मैं भी आपके बताए अनुसार सभी शक्तिपातों में आपके साथ रहा और मैंने भी बहुत अच्छी शक्तिपातों के अनुभव किए। मैं आपसे जब जुड़ा, जब मैं पढ़ाई के लिए घर से आ गया था बाहर 2017 में, जब मैं बाहर आया तो मैं 6 महीने किसी के साथ में रहा तो मैं बिल्कुल भी चुप और नहीं कर पाता था। 6 महीने के बाद 2018 में मैं अपना समय निकालने के लिए अकेला रह रहा था तो मुझे समय निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मैं आपके वीडियो देखते देखते मुझे भी लगा कि मुझे भी जप करना चाहिए, तो मैं अपनी इष्ट देवी का जप करने लगा। उस जप करते करते मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, जैसे कि मेरे आई से लेकर नोज तक एक ऐसा लगता था कि पाइप है, आंखें बंद करते हुए मुझे ऐसा लगता कि पाइप है जो उसमें एकदम ठंडी एयर आ रही है। एक मेरा अनुभव ये होता रहता और एक अनुभव ये होता कि मेरे सर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है, वो मुझे हर पूजा के समय अनुभव होता ही रहता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता। उसके बाद मैं आपका वीडियो कंटिन्यूस देखता रहा और जाप करता रहा। फिर आपके वीडियो में बताए अनुसार ऑनलाइन नेगेटिविटी जांच की जा रही थी, तो मैंने भी 9 अक्टूबर 2020 को मैंने भी अपनी जांच कराने का सोचा, तो उसमें मुझे मिला, मुझे भी बाधा थी, पर मैं भी उस समय भी मैं जप करता रहा। और फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट 10 अक्टूबर 2020 से शुरू करवाने लग गया था। तो मेरे ट्रीटमेंट शुरू होते ही मुझे बहुत दबाव और पहले दिन महसूस हुए, उसके बाद मैं धीरे 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 रिलीव महसूस होने लगा। और मेरे साथ यह हुआ कि जिस समय ये मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसी समय से मेरे लेफ्ट वाले कान की साइड एक वाइब्रेशन आने लग गया था। उस समय मैंने मंत्र जाप बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था संदेह महाराज जी का, और जूम जूम इस तरह मुझे वाइब्रेशन महसूस होती लेफ्ट ईयर में। फिर आपके शक्तिपात के लिए आपके कहे अनुसार वीडियो आने लगे, तो मैं भी उसमें भाग लेना चाहता था, पर मैंने वीडियो कॉल किया तो मेरे अंदर अभी भी नेगेटिविटी बताई जा रही थी। पर मैंने मेरी इच्छा से मैं बैठ गया और शक्तिपात में भाग लिया, सभी शक्तिपातों में, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। जब पहला शक्तिपात आपका शनिदेव महाराज जी का था उसमें मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। तो मैं आपके एक वीडियो में बताए अनुसार कुछ समय शनिदेव महाराज जी आंखों में देखता, कुछ समय हृदय में देखता, कुछ समय चरणों में देखता, फिर चरणों से हृदय में, हृदय से आंखों में देखता, और मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे भगवान के इसमें दर्शन होने लगे। जैसे मैं आंखों में देखता तो उस समय मुझे बहुत सारे देवताओं के दर्शन हुए, जब मैं हृदय में देख रहा था तो बहुत सारी देवियों और माताओं के दर्शन होने लगे, चरणों में देखता और बहुत सारे देवताओं के दर्शन होने लगे। इस समय ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस शक्तिपात के समय ही जब मेरी आंखें एकदम बंद थी तो मुझे एक भैंसे पे सवार देवता दिखे, तो मैं सोचने लगा तस्वीर में तो जो शनिदेव महाराज का वाक्य